वेलकम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर इंस्पायरेंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीरियल्स। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। अभी हम लोग नेट ARS का प्रिपरेशन के कर रहे हैं दोस्तों, है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सीरियल्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कैसा है। ठीक है, सीरियल ग्रेन्स प्ले अ मेजर रोल इन ह्यूमन सिविलाइजेशन एज दे हैव बीन एंड कंटिन्यू टू बी एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन डाइट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ठीक है, ये जो अपना सीरियल्स है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन में काफ़ी समय से कंटिन्यू यूज़ हो रहा है। ठीक है, और ह्यूमन डाइट के रूप में काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और यही मेजर हमारा स्टेपल फूड है। फिर देखते हैं, बिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड डिपेंड ऑन राइस, मेज एंड वीट फॉर देयर स्टेपल फूड। एमोंग दीज थ्री मेन क्रॉप्स, अदर क्रॉप्स सच एज मिलेट्स एंड सरगम आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो मेन स्टेपल फूड कौन कौन सा है, ये है राइस, मेज और वीट, है ना, सीरियल्स में। ठीक है, इसके अलावा भी मिलेट्स और सरगम है जो काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है हमारे ह्यूमन डाइट पर। ठीक है, फिर देखते हैं, ग्लोबली सीरियल क्रॉप्स अलॉन मीट 50% ऑफ द कैलोरी रिक्वायरमेंट। सीरियल क्रॉप्स 50% से ज़्यादा कैलोरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ठीक है, द पैटर्न ऑफ कंजप्शन ऑफ द मेन सीरियल्स वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड फ्रॉम रीजन टू रीजन। ठीक है, इसका जो कंजप्शन है वो तो वेरी करेगा ही अलग अलग देश और अलग अलग रीजन के हिसाब से। मेनली देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ सीरियल क्रॉप्स, दैट इज राइस, मेज एंड वीट। ठीक है, मोस्ट ऑफ विच आर कंज्यूम्ड। सीरियल क्रॉप में जो मेजर क्रॉप है वो कौन कौन सा है, वो है क्रॉप राइस क्रॉप है, मेज है और वीट है ना। तो ये तीनों जो फसल है वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। फिर इसमें मेजरली हम देख लेते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस। ठीक है, राइस का देखते हैं, दिस क्रॉप इज़ कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स लीडिंग क्रॉप विथ अ प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ 596 मिलियन टन्स आउट ऑफ विस 155 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, 155 मिलियन हेक्टेयर में 596 मिलियन टन्स प्रोडक्शन पोटेंशियल है इसका, राइस का। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में दिस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हैज़ द पोटेंशियल टू मीट द वर्ल्ड्स 22% कैलोरी एंड 17% प्रोटीन रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये लगभग 22% कैलोरी फुलफिल करता है। ठीक है, और 17% प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, एशिया होल्ड द मैक्सिमम फॉर राइस कल्टीवेशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन एशिया में होता है। इंडिया ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट राइस ग्रोइंग एरिया अमॉन्ग ऑल राइस ग्रोइंग कंट्रीज, फॉलोड बाई अदर कंट्रीज सच एस चाइना एंड इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा दो जो एरिया है, ग्रोइंग एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ है, इंडिया में ही है। ठीक है, उसके बाद फिर अदर कंट्री आते हैं, जैसे चाइना हो गया, इंडोनेशिया। ठीक है, इन केस ऑफ राइस प्रोडक्शन चाइना इज़ द लीडिंग कंट्री एंड इंडिया इज़ सेकेंड, ठीक है, टू चाइना। और प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा तो चाइना का है, उसके बाद फिर राइस का जो है वो इंडिया में है। ठीक है, सेकेंड पोजिशन में है इंडिया। इन द केस ऑफ प्रोडक्टिविटी एमोंग ऑल द कंट्रीज नेम्ड एज इजिप्ट होल्ड्स फर्स्ट प्लेस एंड द USA होल्ड सेकेंड प्लेस। और जो प्रोडक्टिविटी देखते हैं तो सबसे ज़्यादा तो इजिप्ट में है, फिर सेकेंड में है USA। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया जो है वो। इन इंडिया एवरेज जिला प्राइस इज एस्टिमेटेड 2929 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, मतलब 29.29 क्विंटल पर हेक्टेयर जो एवरेज यील्ड है हमारे इंडिया में। देयर हैव बीन मेनी कंट्रीज इन्वॉल्व इन राइस कल्टीवेशन। ठीक है, बहुत सारे देश है जो राइस कल्टीवेशन करते हैं, जैसे कि जापान, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, ये सारे राइस कल्टीवेशन में सबसे ज़्यादा करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टॉपिक है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीरियल्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और दूसरे क्रॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर ले दोस्तों, और अपने जो तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स को उनको शेयर कर दें। थैंक यू।